आईपीएल 2024 सीजन ओपनर चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच में खेला जाएगा। एमएस धोनी के सामने होगी विराट कोहली, 6 फॉग का होगा मैदान और क्या ये ब्लॉकबस्टर मुकाबला होने वाला है। एक बार फिर हमको एमएस धोनी देखने को मिलेंगे, विराट कोहली अपने ब्रेक के बाद वापिस आने वाले हैं, लेकिन ये जितना सुनने में ब्लॉकबस्टर होता है उतना ही कहीं ना कहीं वन साइडेड मुकाबला होता है। तो बात करते हैं मैच प्रीव्यू की, साथ में बनाएंगे ड्रीम इलेवन टीम, तो बने रहो वीडियो के एंड तक। चलो शुरू करते हैं अब इस वीडियो को, शुरुआत करते हैं हेड टू हेड। देखा जाए तो चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच में 31 मुकाबले अब तक खेले गए, जिसमें से 20 मुकाबले चेन्नई सुपर किंग्स ने जीते हैं, 10 मुकाबले जीते हैं आरसीबी ने। और अगर पिछले 5 मुकाबले की बात की जाए तो चेन्नई सुपर किंग्स ने 4 जीते हैं और आरसीबी ने सिर्फ 1। आरसीबी ने जो पिछला मुकाबला चेबॉक के स्टेडियम में जीता था चेन्नई सुपर किंग्स के सामने, वो था 2008 में। पिच रिपोर्ट की बात की जाए तो हमने चेन्नई के पिचेस का बिहेवियर अब तक जो देखा है, तो स्टार्टिंग के मैचेस जो होते हैं वो बहुत ही हाई स्कोरिंग होते हैं, पिछले सीजन भी बहुत हाई स्कोरिंग मुकाबले हमको देखने को मिले थे, तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे भी एक हाई स्कोरिंग मुकाबला हमको देखने को मिले। साथ ही ऐसे पिचेस के ऊपर जो स्पिनर्स और पेसर्स वेरिएशंस करते हैं उनको बहुत ही ज्यादा अच्छे यहाँ पे रिजल्ट्स मिलते हैं, तो ऐसे जो प्लेयर्स हैं वो बहुत ही अच्छे करते हुए आपको दिखेंगे। अब बात करते हैं दोनों टीम्स के प्लेइंग इलेवन के बारे में। वैसे तो मैंने प्लेइंग इलेवन बनाया था पिछली वीडियो में, लेकिन एक बार फिर मैं आपको बता दूं तो चेन्नई सुपर किंग्स की प्लेइंग इलेवन कुछ इस तरह से होगी। ऋतुराज गायकवाड़ अजिंक्य रहाणे ओपन करेंगे 3 पे, मोइन अली 4 पे, डैरिल मिचेल, ऐसे भी हो सकता है कि डैरिल मिचेल ओपन करे, अजिंक्य रहाणे 3 पे आए, मोइन अली 4 पे आए, और नंबर 5 पे शिवम दुबे, 6 पे मैं देखना चाहता हूँ एमएस धोनी को, उन्होंने बोला है कि वो फैंस के लिए खेल रहे हैं तो मैं चाहता हूँ कि बहुत ऊपर बैटिंग करने आए। नंबर 5 पे आ जाए तो मजा आ जाएगा। 7 पे रविंद्र जडेजा, 8 पे शार्दुल ठाकुर, 9 पे दीपक चहर, 10 पे दीक्षाना और 11 पे पति राणा। चेन्नई सुपर किंग्स इंपैक्ट प्लेयर शायद से ला सकते हैं समीर रिजवी को, जो स्पिनर्स के सामने बहुत ही अच्छा खेलते हैं और बहुत ही बढ़िया इंपैक्ट प्लेयर बन सकते हैं इस साल चेन्नई सुपर किंग्स के लिए। साथ ही अगर ये प्लेइंग 11 को ध्यान से देखा जाए तो ये नया एक मिडल ऑर्डर के साथ उतरने वाले, क्योंकि डैरिल मिचेल एक नया नाम है, अजिंक्य रहाणे थोड़ा आउट ऑफ फॉर्म है तो कैसे परफॉर्म करेंगे कुछ बोल नहीं सकते, शिवम दुबे इंजरी के साथ वापिस आ रहे हैं, तो एक नया मिडल ऑर्डर हमको देखने मिलेगा चेन्नई सुपर किंग्स के लिए। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की प्लेइंग 11 की बात की जाए तो मेरे को लग रहा है 5 विराट कोहली ओपन करेंगे, 3 पे होगी रजत पाटीदार, 4 पे ग्लेन मैक्सवेल, 5 पे कैमरॉन ग्रीन, 6 पे दिनेश कार्तिक, 7 पे महिपाल लोंगरा या फिर सुयश देसाई में से कोई एक, 8 पे कर्ण शर्मा, 9 पे विजय कुमार विशक, 10 पे मयंक डगर, 11 पे मोहम्मद सिराज। मेरी इस टीम के प्लेइंग 11 में सिर्फ 3 ही ओवरसीज प्लेयर रखे हैं और मैं चाहता हूं कि रीस टोपली को ये एज इंपैक्ट प्लेयर अंदर लेकर आए तो ज्यादा बेटर रहेगा। ये शायद से लोकी फर्ग्यूसन, अल्जारी जोसेफ या फिर टॉम करन में से भी कोई एक ला सकते हैं, सबसे बेस्ट चॉइस इनके लिए होगी रीस टोपली। अब दोनों टीम में से प्लेयर मैचअप्स की बात करते हैं तो विराट कोहली के सामने होगी दीपक चहर, और अब तक विराट कोहली ने पिछले कुछ टाइम में 3 बार अपनी विकेट गंवाई है पावर प्ले में चेन्नई सुपर किंग्स के सामने। एक और मैचअप मेरे दिमाग में आता है वो है ग्लेन मैक्सवेल के सामने रविंद्र जडेजा, क्योंकि बहुत ज्यादा हावी रहते हैं रविंद्र जडेजा ग्लेन मैक्सवेल के सामने, तो ये भी देखने लायक होगा कि ग्लेन मैक्सवेल कैसे काउंटर करते हैं रविंद्र जडेजा को। दूसरा मैचअप मेरे दिमाग में आता है ऋतुराज गायकवाड़ के सामने मोहम्मद सिराज, अच्छी फॉर्म में चल रहे मोहम्मद सिराज, वाइड बॉल गेम जो है उनको कुछ नेक्स्ट लेवल का अप कर दिया गया है, और स्लो स्टार्टर रहते हैं ऋतुराज गायकवाड़, तो शायद से ऐसा हो कि मोहम्मद सिराज ऋतुराज गायकवाड़ के ऊपर भारी पड़े। एक और मैचअप हमको इस मैच में देखने मिल सकता है शिवम दुबे के सामने पेस बॉलर जो अच्छी बाउंसर लगाए, क्योंकि पेसर्स ने बाउंसर के साथ ट्रबल किया है शिवम दुबे को, तो अगर अल्जारी जोसेफ या फिर लोकी फर्ग्यूसन में से कोई ये खेलता है तो बाउंसर्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होगा शिवम दुबे के सामने। प्लेयर मैचेस की बात हो गई है तो अब बात करते हैं मैच प्रेडिक्शन की, तो मेरे को लग रहा है इस मैच में आरसीबी को जीत जाएगी, बहुत टाइम से चेपॉक में जीते नहीं है, स्पिनर्स उतने कुछ खास है नहीं, लेकिन अगर ये बैटिंग में अच्छा परफॉर्म करते हैं मोहम्मद सिराज टॉप के विकेट निकालते हैं, मिडल ओवर्स में अगर चेन्नई सुपर किंग्स को रोका गया तो ये प्रेशर बना सकते हैं चेन्नई सुपर किंग्स के ऊपर। अब बात करते हैं सीएसके वर्सेस आरसीबी के लिए मेरी फैंटेसी टीम क्या होगी उसके बारे में। एमएस धोनी हो गए मेरे विकेट कीपर, विराट कोहली, रजत पाटीदार, ऋतुराज गायकवाड़, शिवम दुबे हो गए मेरे बैटर्स, ऑलराउंडर मेरे हो गए ग्लेन मैक्सवेल, मोइन अली, रविंद्र जडेजा, बॉलर्स मेरे हो गए मोहम्मद सिराज, दीक्षाना और पति राणा, कैप्टन रखूंगा मैं रविंद्र जडेजा को, वाइस कैप्टन रखूंगा मैं ग्लेन मैक्सवेल को, आप चाहो तो विराट कोहली या फिर पति राणा को भी कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हो, ये आपके ऊपर है, वैसे आपके कैप्टन वाइस कैप्टन कौन हो गए ये कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही इस टीम में मैं अगर कुछ चेंजेस करने वाला रहूंगा तो आपको मिलेगी टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल के ऊपर, तो उसको ज्वाइन कर लो। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, मिलता हूँ आपको अगली वीडियो या फिर लाइव स्ट्रीम में जो होती है गेमिंग चैनल के ऊपर, उसको भी चेकआउट कर लेना। तब तक के लिए बाय बाय।